हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक ईमेल के पासवर्ड लगा सकते हैं और कैसे हम एक ईमेल की एक्सपायर डेट को सेट कर सकते हैं। यानी हम किसी भी ईमेल का एक टाइम पीरियड सेट करेंगे, उतने टाइम के बाद वो ईमेल ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक वेब ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन करना है। उसके लिए मैंने लिखा gmail.com। gmail.com ओपन हो चुका है। अब कोई भी एक मेरी ईमेल आईडी को मैं लॉगिन कर लेता हूँ पासवर्ड एंटर करके। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और ये मेरी जीमेल आईडी ओपन हो चुकी है। नया ईमेल सेट करने के लिए हम कंपोज बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है जहाँ से आप नया ईमेल सेंड करेंगे। कंपोज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको टू में रिसीवर की मेल आईडी को टाइप करना है। कोई भी मेल आईडी अपने फ्रेंड की जहाँ पर आप मेल को सेंड करना चाहते हो। जैसे मैंने एक ईमेल आईडी को टाइप कर दिया। सब्जेक्ट में कोई भी आप सब्जेक्ट टाइप कर सकते हो, कंटेंट में कोई भी मैटर टाइप कर सकते हो। इतना टाइप करने के बाद आप देखोगे कि नीचे टूल्स में यहाँ पर कॉन्फिडेंटल मोड का एक ऑप्शन है। आपको इस कॉन्फिडेंटल मोड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे ये सबसे पहले एक्सपायर डेट के बारे में पूछेगा कि आपको अपनी जो ईमेल है वो कितने टाइम बाद आपको एक्सपायर करनी है। 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, जितना टाइम आप चाहो उतना टाइम आप सेट कर सकते हो। और लास्ट में नीचे है रिक्वायर्ड पासवर्ड। अगर आप चाहो तो आप अपनी इस ईमेल को एक पासवर्ड की सहायता से भी लॉगिन कर सकते हो। उसके लिए आपको नो SMS पासकोड या SMS पासकोड, अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो आप SMS पासकोड को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इसे सेंड करना है। जैसे ही आप इसको सेंड करोगे, ये सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा जिससे आपको पासवर्ड लेना है। अब यहाँ पर कोई भी आप मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको कोई भी कंट्री कोड, इंडिया का है तो इंडिया, आगे आप कोई भी अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो। हमने एक मोबाइल नंबर दे दिया और हमने सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। आपकी ईमेल जा चुकी है। अब हम सेंड में चेक कर सकते हैं आपकी ईमेल इस आईडी के ऊपर सेंड हो चुकी है। जब हम चेक करते हैं, दूसरी आईडी को लॉगिन करते हैं, जिस आईडी के ऊपर हमने मेल अभी किया है उस आईडी को हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद पासवर्ड एंटर कर दिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये जीमेल आईडी रिसीवर की है जहां पर आपने ईमेल सेंड किया था। आप यहां पे देख सकते हो इनबॉक्स में ये मेल आ चुका है। अब आगे लिखा हुआ भी है कि ये मेल कॉन्फिडेंशियल मोड में है। जैसे आप इसको ओपन करोगे, ओपन करते ही वही मोबाइल नंबर जो आपने वहाँ पर एंटर किए थे उन्हीं मोबाइल नंबर के ऊपर पासकोड भेजा जाएगा और पासकोड वेरीफाई होने के बाद ही ये आपका ईमेल यहाँ से ओपन होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।